शराब पिएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। बोलो, शराब पिएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। बोलो, शराब पिएंगे भी नहीं, बनाएंगे भी नहीं। बाहर से नहीं मंगाएंगे। छापेमारी भी की जा रही है। हाँ जी, बिकॉज हमारा मैंडेट काफ़ी क्लियर है। हम सारे अटेम्प्ट्स ले रहे हैं जितने भी पॉसिबल हो पाए कि यहाँ पे लोग शराब का खरीदारी बिक्री पीना सेवन कुछ भी ना करें। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। IPS अधिकारी काम्या मिश्रा एक्शन में। पिछले दो दिनों से CM नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद से लगातार वो पटना के अपने थाना क्षेत्रों वाले इलाके में घूम घूम कर लोगों को ना तो सिर्फ जागरूक कर रही हैं बल्कि एक के बाद एक छापेमारी करके भी उन्होंने तहलका मचा रखा है। अब तक सिर्फ एक होटल में ही छापेमारी की बात कर लें तो उस होटल में 13 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इन तमाम लोगों पर आरोप है कि ये होटल के कमरे के अंदर शराब की पार्टी कर रहे थे। काम्या मिश्रा साल 2019 बैच की IPS अधिकारी हैं। मूल तौर पर उड़ीसा के रहने वाली काम्या मिश्रा जो है हिमाचल प्रदेश कैडर की हैं और फिलहाल बिहार में जो है वो अपनी सेवा दे रही हैं। पटना के सचिवालय DSP के तौर पर इस वक्त पदस्थापित हैं और उसी इलाके में लगातार घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से पटना की लेडी सिंघम जो है न सिर्फ पुलिसिया अंदाज में छापेमारी करके जो शराब की अवैध कारोबार में लगे लोग हैं उन पर एक्शन ले रही हैं बल्कि समाज के जो निचले तबके हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर भी पहुंच करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें पटना के सचिवालय गर्दनी बाग जैसे इलाकों की हैं और उसी इलाके में देखिए किस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पर सघन जाँच अभियान चलाया गया। उन तमाम जगहों पर पहुँच करके उन्होंने अवैध शराब की खेप के बारे में जानकारी ली और फिर वहाँ जब वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं मिली तो वहाँ के जो लोग थे उनको शपथ दिलवाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि काम्या मिश्रा पिछले करीब 48 घंटे से ज़्यादा वक्त के आसपास से लगातार सुर्खियों में है अपने अलग एक्शन को लेकर के। ऐसे वक्त में जब पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं खास करके शराबबंदी को सही से लागू नहीं करने का जब आरोप उनमें बढ़ा जा रहा है तो काम्या मिश्रा जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। वो लगातार वहाँ पर जो है अपने थाना क्षेत्र वाले इलाकों में पहुँच करके ना सिर्फ रेड कर रही हैं बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं काम्या मिश्रा, पहले सुनवाते हैं। किया गया है और छापेमारी भी की जा रही है। हाँ जी, बिकॉज हमारा मैंडेट काफ़ी क्लियर है। हम सारे अटेम्प्ट्स ले रहे हैं जितने भी पॉसिबल हो पाए कि यहाँ पे लोग शराब का खरीदारी बिक्री पीना सेवन कुछ भी ना करें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस आए इन सारी चीज़ों को लेकर के। बिकॉज कोअर्सिव स्टेप्स लेंगे वो एक दो दिन में फिर दिक्कतें देने लगते हैं। जब लोगों में चेंजेस आएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आएगी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा मेन एम वही है फिलहाल के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अगर आप अंदर से प्लेज नहीं करते इन सारी चीज़ों को लेकर के तो उतनी अवेयरनेस भी नहीं आती। तो उन सारी चीज़ों को रीइन्फोर्स करने के लिए ये सारे स्टेप्स आज लिए गए थे क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सुधारने का, सोसाइटी को ठीक करने का, वो अकेले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अनलेस सारा सोसाइटी हमारे साथ कोऑपरेट करे, अनलेस सारे लोग मिलकर एक इकोसिस्टम बनाए, तो अगर ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाएगी तभी जा करके कुछ पॉजिटिव आउटकम आएंगे। तो वही हमारा अभी कोशिश रहेगा। किन इलाकों में छापेमारी की गई अभी और क्या? अभी तो काफ़ी सारी जगहों पर साइमल्टेनियसली छापेमारी चल रही है, अभी फिलहाल यहाँ हुआ है और आगे भी आज काफ़ी चीज़ें प्लान है। तो सुना आपने किस तरीके से जो काम्या मिश्रा हैं वो जो है लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ये कह रही हैं कि शराब के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ लगातार सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। किस तरीके से वो पहुंची पटना के गर्दनी बाग और दूसरे स्लम एरियाज में, वहाँ पर लोगों को जागरूक किया, किस तरीके से शपथ दिलवाई, छोड़ जाते हैं आपको वीडियो।